शास कॉर्नर में आप सबका दिल से स्वागत है। और आज आपके लिए लेके आई हूँ मीशो से ड्रेस मटेरियल्स का हॉल। ये कोई चीज अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बनवाना, उसका तो देखो एक अलग ही क्रेज होता है। एक चीज आप रेडी टू वेयर आ रही और पहन रहे हो वो अलग बात है, बट एक चीज मेजर टू मेजर करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप बनवा रहे हो ना, तो जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है ना, यहाँ होता है दोस्तों। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर आधारित है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रेस मटेरियल्स सभी के सभी कॉटन में है, कॉटन स्किन फ्रेंडली है। जो ड्रेस मटेरियल है ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, हर एक एज वाले के लिए बहुत ही प्यारा लगेगा। प्लस जो इसका दुपट्टा है ना, वो इसकी यूएसपी है। दुपट्टा बहुत ही अच्छा आया है इसके साथ। मुझे दुपट्टे से बहुत ही ज्यादा होता है कि अगर दुपट्टे में जान नहीं है ना, तो सूट की जो शान होती है वो खत्म हो जाती है। दुपट्टा देखोगे ना, काफी अच्छा दुपट्टा है ये। देखो अगर आप वर्किंग है ना, तो अभी आप इसको ऑर्डर कर सकती है। बिल्कुल ही सोबर व्हाइट कलर का है ये। इसके ऊपर ना आपको पूरा ये जो दिख रहा है ना, कैटलॉग में ऐसा लग रहा था कि ये धागा है, बट ये प्रिंट है। इसके ऊपर पूरा प्रिंटेड दुपट्टा मिलेगा व्हाइट कलर का। यहाँ पोल्का डॉट्स हैं, यहाँ पूरे इस तरह से लाइनिंग वाले प्रिंट बनाए गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। इसको आप इस तरह से पूरा कवर करके देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं और आपके यहाँ पे पल्ला वगैरह चलता है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि चुन्नी की लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ में बताती हूँ दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, सबकी मेजरमेंट मीशो से डायरेक्ट चेक करना मंगाने से पहले, ठीक है। फिर मिलता है सॉलिड मखमली कॉटन का इस तरह का ये बॉटम, जो आप सलवार बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर, बहुत ही अच्छी इसकी लगने वाली है। इस तरह से खोल के दिखा रही हूँ मैं आपको पूरा। ये इसका सलवार का मटेरियल आएगा, सॉफ्ट कॉटन का है, ठीक है। अगर आपका पूरा नहीं पड़ता है फैब्रिक, तो कोई इशू नहीं है यार। फैब्रिक का आप कोई भी व्हाइट कलर का बेल्ट भी इसके अंदर लगवा सकते हो सलवार बनाते समय, तो वो भी कपड़ा पूरा हो जाता है। तो एक आपको बटन का वो मिलेगा इस तरह से, देखो जो ये फ्रंट है ना, फ्रंट में एक पट्टी सी लगी हुई है, पट्टी के ऊपर दो बटन लगे हुए हैं, और सामने की तरफ कुर्ते में ना सीक्वेंस ही सीक्वेंस है। तो ये कुर्ता आगे से पीछे से दोनों तरफ से प्रिंटेड आएगा, और ये इसका फ्रंट आएगा इस तरीके से। ये फ्रंट है, पूरा सीक्वेंस है छोटे छोटे इसके ऊपर, और बैक भी इसका प्रिंटेड आएगा। बहुत ही खूबसूरत है, सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं। आप चाहे 3XL में हो तो भी इसको सिलवा सकते हो, नो डाउट आ जाएगा आपको। फिर बढ़ते हैं हम लोग एक चिकनकारी, हाँ चिकनकारी की तरफ, क्योंकि क्या होता है कि चिकनकारी ना हो ड्रेस मटेरियल में मजा नहीं आता। चिकनकारी लेमनिश येलो कलर का कुर्ता सेट बहुत ही खूबसूरत है। मैं बार बार कह रही हूँ, मेजरमेंट आप मीशो से आप डायरेक्ट चेक कीजिए। ये वाला जो है ना, किसी को शादी हो रही है और किसी को दोगे ना, वो आपको दुआएं देगा, अरे वाह क्या चीज दी है मुझे। पूरा चिकनकारी कुर्ता है ये, ठीक है। इस तरह से देखो लेमनिश येलो कलर का है, या देखो अभी आपके सामने जस्ट ओपन किया है। लेमनिश येलो कलर का चिकनकारी कुर्ता आएगा, फ्रंट में पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी है, पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी सी, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है यहाँ पे आप देखो तो ये वाला, और बैक का पार्ट इस तरह से ना पूरा सॉलिड आएगा। येलो कलर का कुर्ता है ये, देखो येलो कलर का ये कुर्ता है, डार्क येलो नहीं, बिल्कुल लाइट जो सूदिंग कलर होता है ना, उस तरह का लाइट येलो कलर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पीछे की तरफ पूरा सॉलिड पार्ट है इसका। फिर दिखाती हूँ मैं इसका बॉटम, बॉटम भी कुछ ज्यादा वो नहीं है, सॉलिड ही आएगा इस तरह से आप देखो तो। ये देखिए इस तरह से सॉलिड बॉटम आएगा इसका, बहुत ही खूबसूरत है। सूट का जो पैटर्न है बहुत अच्छा है, कलर गर्मियों के अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल लाइट कलर्स हैं, सूथिंग कलर्स हैं। अब मैं दिखाती हूँ इसका दुपट्टा, दुपट्टा देखो कितना हैवी है, सी दुपट्टा देखो कितना हैवी है। अगर आप चाहो ना, अगर आपको ये दुपट्टा नहीं कैरी करना, तो आप इसकी भी कुर्ती बनवा सकते हो। मैंने तो भाई अपने कॉलेज में ऐसे ही करती थी, जो दुपट्टे हैवी होते थे मुझसे कैरी नहीं होते थे, मैं तो अस्तर लगवा के कुर्ती बना लेती थी, और बहुत ही अच्छी लगती है। क्योंकि कुर्तियां जो होती हैं शॉर्ट कुर्तीज होती है ना, उनमें किसी तरह की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से आपको सिंपली ये देखो आप एक पूरी कुर्ती बनवा सकते हो। ये वाला एरिया आपके मतलब स्लीव्स पे आ जाएगा, और ये पूरी कुर्ती बन के आ जाएगी। ऑल दो आप चाहो तो एज अ दुपट्टा अपने फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हो, बट मैंने तो आपको प्रो टिप दिया है, जो कि हमेशा मैं देती हूँ अपने वीडियोस के अंदर। तो आज का प्रो टिप यही था, हैवी दुपट्टे काम नहीं आ रहे, उनको यूटिलाइज करो, अपना ब्लाउज बनवाओ, या फिर उनको अपना कुर्ती बनवा लो, शॉर्ट कुर्ती या फिर लॉन्ग कुर्ती, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। पैकिंग में ही इतना प्यारा लग रहा है, तो सोचो आगे कितना प्यारा होगा। फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है, वाओ फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है। सी दुपट्टा पहले दिखा देती हूँ,
क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं दुपट्टे बहुत ज्यादा। दुपट्टा इस तरह का दुपट्टा आएगा, डार्क नेवी ब्लू कलर का, और जो दुपट्टे की ये साइड है ना, साइड जो बोलते हैं किनारी बोलते हैं लोकल भाषा में, किनारी जो है ना पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है, साइड जो है इसकी पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है। देखो पूरी एम्ब्रॉयडरी के साथ आएंगी, और यहाँ आप देखते जाओगे ना बहुत ही सुंदर लगता है दुपट्टा, इजिली आप कवर हो जाएगा आपका हेड अगर आप सिर पे लेते हो तो, और बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हो जैसे कि अभी ये मुझ पे लग रहा है। दुपट्टे देखो बड़ा ही प्यारा लुक आता है दुपट्टे में। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुर्ता, जो भी लोग देख रहे हैं ना इस वक्त वो बड़े खुश हो जाएंगे कि वाह कितना अच्छा पीस दिखाया है। अगर खुश हो रहे हो और देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो यार थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो अपनी बहन के लिए। वाओ कुर्ता देखो, वाओ कुर्ते में पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है यार। जो न्यूली मैरिड होती है ना उन पे तो इस तरह की चीजें बहुत खूबसूरत फब के आती हैं, और जिनको शादियां अटेंड करनी है ना वो तो कहेंगे कि वाह यार क्या चीज दिखाई है। साइड में अलग सा फैब्रिक दिख रहा है ना, स्लीव्स पे आएगा ये वाला जो पार्ट है, पूरा बॉटम पे आएगा, पूरी गोटा पत्ती लगी है यहाँ पर भी, ये पूरा गोटा से कवर्ड है। और इसकी एम्ब्रॉयडरी मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ, ये देखो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है, पूरा धागे से एम्ब्रॉयडरी की गई है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये फैब्रिक। ये पूरा बॉटम का पार्ट आ गया इसका, इसमें किसी तरह के अस्तर वस्त्र की कोई जरूरत नहीं है, डार्क है और डार्क कलर देते हैं इजीली। इसकी जो सलवार का कपड़ा है ना बाकी कपड़ों से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, और ऑल्दो होना भी चाहिए क्योंकि पार्टी वियर है, अगर आप सलवार बनाते हो तो डेफिनेटली आपको काम आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये डार्क ब्लू कलर का, तीन कलर दिखा दिए मैंने आपको, व्हाइट दिखा दिया, लेमन येलो दिखा दिया, डार्क ब्लू दिखा दिया, अब मेरा फेवरेट कलर पीछे कैसे रह जाता, पिंक कलर। पिंक कलर बहुत ही खूबसूरत होता है, और जो ना कहते हैं कि स्टोन सितारा, सितारे सितारे का काम है इसके ऊपर पूरा। और जो इसका बॉटम है ना, बॉटम भी बहुत खूबसूरत है, ये देखो बॉटम के ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी के साथ फ्लावर्स हैं, प्लस इस तरह के ना स्टोन के ऊपर पेस्ट किए हैं। देखो ये इसका बॉटम है, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका जो फैब्रिक है, ये देखो फैब्रिक के ऊपर भी सितारे ही सितारे जड़े पड़े हैं। और जो ये योग पार्ट देख रहे हो ना, योग पार्ट भी पूरा का पूरा भरा हुआ आएगा, ये देखो पूरा इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी एंड स्टोन्स का वर्क आपको मिल जाएगा। एंड जो थिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, फैब्रिक प्रॉपर कॉटन का है, यहाँ देखो पूरा ये पीछे की तरफ ना कॉटन का फैब्रिक अटैच है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और किसी तरह के ना इसके अंदर कोई वो लाइनिंग वाइनिंग की नीड नहीं है, बहुत ही सुंदर चीज़ है सी, ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बॉटम जो आएगा ना कुछ इस तरह से पैकिंग वैकिंग होके आते हैं अंदर, और बॉटम का फैब्रिक ये देखो, ये इसके बॉटम का फैब्रिक आएगा, और बहुत ही सॉलिड टाइप के बॉटम्स हैं, बॉटम्स इनके कुछ भी ज़्यादा हैवी नहीं है, आप चाहो तो सिंपली पैंट तैयार करवा सकते हो, चाहो तो इसका सलवार बनवा सकते हो, या फिर प्लाजो बनवा सकते हो एज पर योर नीड। एंड जो दुपट्टा है बहुत ही खूबसूरत है, प्रॉपर पार्टी वाइब्स के साथ है। जो दुपट्टे की चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम है, स्टोल काइंड ऑफ इसका दुपट्टा आएगा, सेम वही जो बॉटम आपके कुर्ते में था सेम इसमें मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह से आता है, इतनी ही होती है सिर्फ इसकी, ज़्यादा बड़ा दुपट्टा नहीं है ये, ओढ़ने के बाद कुछ इस तरह से लगता है, ये देखो इस तरह से आएगा, ये बहुत ही खूबसूरत है, बट इसकी चौड़ाई कम है और इसकी लंबाई तो ठीक ठाक है, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, बाल खराब हो जाते हैं दुपट्टा ओढ़ते ही। तो सितारों का काम प्लस एम्ब्रॉयडरी, बेहतरीन कुर्ता सेट, सॉरी बेहतरीन ड्रेस मटेरियल, बहुत ही प्यारी चीज़ और मस्ट बाय है, सारे के सारे किसी में कोई कमी नहीं निकली अभी तक, जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं ना कोई भी कमी नहीं निकल के आई है। और अब दिखाती हूँ मेरा अल्टीमेट फेवरेट, जो कि मैंने सबसे साइड में रखा था ताकि मैं सबसे लास्ट में दिखा सकूँ, और वो है ये वाला कुर्ता सेट। ये हैवी है वेट में, और ये अंदर से कैसा निकलेगा लेट्स सी। इसका कलर जो है ना थोड़ा सा ऑफ वाइट क्रीमिश कलर है, और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी और जो फैब्रिक है वो टॉप नॉच है। ये जो फैब्रिक आपको कहेंगे ना ये लिनन का फैब्रिक आएगा, तो लिनन का फैब्रिक एक्सपेंसिव होते हैं। दुपट्टा शिफॉन का इस तरह से लाइनिंग जिगजैग वाली लाइनिंग वाला फैब्रिक आएगा, ठीक है। और कुर्ता सेट देखो, देखते ही रह जाओगे, कुर्ता सेट की फैब्रिक की लेंथ भी बहुत अच्छी है, जो मेरी तरह जो लेडीज़ हैं और मेरे से भी ज़्यादा हैवी हैं थोड़ी सी, वो इसको डेफिनेटली तैयार करवा सकती हैं। एम्ब्रॉयडरी का पार्ट कहें तो फाइन एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक पीस है,
नेक का जो पैटर्न है ना इस तरह से, ये देखो नेक का पैटर्न कुछ इस तरीके से आएगा। सी कैमरे पे क्लोजर दिखाते हैं आपको, ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना ये नेक से स्टार्ट होके ये वाली पूरी पट्टी लगेगी, प्लस आप देख रहे हो ये वाली चीज़, ये पूरे धागे की एम्ब्रॉयडरी है। बैक पूरा का पूरा सॉलिड है, कुछ भी नहीं है। और कुर्ते के अंदर ना इसके पूरी आपको गोटा पत्ती की लाइनिंग मिलेगी। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी दोस्तों कि जो इसके फैब्रिक है ना उस पर फोकस करो, फोकस करने से ये आपको पता चलेगा कि फैब्रिक जो होता है ना हाथ में लेके ही पता चल जाता है कि फैब्रिक की क्वालिटी कैसा है। लिनन का फैब्रिक है, टॉप नॉच फैब्रिक है, नो डाउट, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप देखो अब तक आपने जितनी भी सलवारें देखी है ना सबकी सब सॉलिड थी, किसी में कुछ भी नहीं था। और इसका दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया, शिफॉन का दुपट्टा था, बहुत ही हल्का डलका सा। ये देखो शिफॉन का दुपट्टा है, ये वाला हल्का सा दुपट्टा आएगा गर्मियों के अकॉर्डिंग, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ट्रांजिट दुपट्टा ये जो है ना फैब्रिक बाकी सभी फैब्रिक से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसकी लेंथ इसकी विड्थ दोनों से ज़्यादा है, प्लस पूरा का पूरा प्रिंटेड है, सॉलिड नहीं है, पूरा का पूरा प्रिंटेड है। सी इस तरह से पूरा का पूरा प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, सॉरी फैब्रिक आएगा। लेंथ और विड्थ वाइज बहुत अच्छा है, देखने में टॉप नॉच लगता है और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पहनने में। प्लस मैंने आपको क्या बताया, आपको नहीं अच्छे लगती है सलवारें और प्रिंटेड तो क्या कर सकते हो, इस तरह से प्रिंटेड जो होते हैं ना इनकी भी आप कुर्तियां सिलवा सकते हो, एक और कुर्ती बना सकते हो, जो कि मैंने हमेशा किया है। मुझे सलवार जो होता ना बल्कि सलवार मेरे से थोड़ी सी दिक्कत होती थी मुझे पहनने में, पहन नहीं पाती थी, तो मैं हमेशा कुर्तीज़ बनवाती थी और साथ में लेगिंग कैरी करती थी। तो इसके साथ भी आप यही कर सकते हो। जो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है ना इसके अंदर, तो उसमें पिंक कलर और ग्रीन कलर है और ऑरेंज कलर है, इससे मिलती जुलती लेगिंग भी वेयर कर सकते हो जो अगर आपका सलवार पहनने का मूड नहीं है तो, या फिर सिंपली से पैंट भी कैरी कर सकते हो सलवार ऑफिस में अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो। बट चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी इस बार आपको दिखाई हैं और सबके सब क्वालिटी वाइज टॉप नॉच है। इसके अलावा आपकी क्या प्रेफरेंस है क्या नहीं आई डोंट नो अबाउट दैट, बाकी चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए। मुझे ये नहीं पता कि टॉप की लेंथ कितनी है, लेंथ और उसकी कितनी है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ही पैकिंग ओपन की है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मीशो से तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।